दोस्तों अगर आप विश्व बन गिल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम न्यूजीलैंड का तीसरा और इस सीरीज का अंतिम T20 मुकाबला अहमदाबाद के तूफानी मैदान पर। दोस्तों भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। युजवेंद्र चहल की जगह प्लेइंग 11 में वापस से उमरान मलिक आ चुके हैं, क्योंकि पिच फ्लैट थी, बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी। टॉस की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पिच को मद्देनजर रखते हुए पहले बल्लेबाजी को चुना, जिसके चलते शुभमन गिल और ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोस्तों पहले ही ओवर में एक चौका तो लगाया शुभमन गिल ने, लेकिन अगले ही ओवर में मिशेल सैंडर के गेंदबाज मिचेल ब्रेसवेल आई गेंदबाजी करने के लिए, जो कि ऑफ स्पिनर गेंदबाज हैं। आते ही उन्होंने ईशान किशन को घूमती गेंद रखी, गेंद को ईशान किशन पर नहीं पाए और पैड्स पर लग गई और अंपायर ने आउट दे दिया, जिसे देख ईशान किशन परेशान हो गए और रिव्यू लेने का फैसला किया। लेकिन रिव्यू में भी साफ नजर आया कि बल्ले का कोई भी एज नहीं लगा है और गेंद स्टंप्स पर लग रही है। दूसरे ओवर में ईशान किशन एक रन बनाकर तीन गेंदों का सामना करते आउट हुए। लेकिन उसके बाद अच्छी फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने दिखाया अपनी बल्लेबाजी का दम। उनका साथ दिया ताबड़तोड़ तेज तरार बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने। दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आग लगा दी, दोनों ही बल्लेबाजों ने चौक और छक्कों की बारिश कर दी। दोस्तों एक तरफ से राहुल त्रिपाठी, दूसरी तरफ से शुभमन गिल। दोस्तों त्रिपाठी ने तो शुरुआत ही उनके 18 ओवर में 37 से ज्यादा रन ठोक दिए छक्के और चौके लगाकर। वहीं शुभमन गिल ने भी 24 गेंदों पर ही अपने अर्धशतक तक पहुंच गए थे। दोनों के बीच में ताबड़तोड़ अर्धशतक की पारी हो गई। भारतीय टीम पावर प्ले में ही 60 के पार चला गया। दोस्तों आप भारतीय टीम की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं।